सभी लोग पर कहां जाकर लगाएंगे स्वतंत्र हुआ सरकार की पूरी ऊर्जा के साथ सभी लोग जाकर लगाएंगे पूरी ताकत और ऊर्जा के साथ दम हाथ खड़े करके स्वतंत्र हुआ धान की जय। आप ही भाग्य विधाता है दुखिया मन को रोगी तन को दुखिया मन को रोगी तन है आराम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में सारे तीर्थ धाम आपके चरणों आलमपुरा के है ऐसा कोई नहीं तो खड़े हो गया भैया बैठ जाओ देव सिंह आलमपुरा भैया जगह छोड़ दो रास्ता छोड़ दो वहां पे देव सिंह नाम के आलमपुरा से आए ऐसा कोई नहीं तो खड़े हो गया। हाँ क्या भी माइक लगा उसके क्या विचार है इसको छोड़ना है इसको छोड़ना है। अच्छा बच्चा भी नहीं है आप पे बच्चा नहीं है ना बच्चा नहीं है ना ठीक है इसको छोड़ना है भीषण प्रात से क्या पूछना है आपको बच्चा का या बच्चा का नाम किसी को बताया तो नहीं आपने पक्का पहली बार आई हो मैया तो तब होगा मैया वहां को पहले अपना घर पे एक त्यार लड़ूंगा पुरखा आओ भाई तो मना लो धबुआ आते धबुआ तुम्हारे धबुआ आते तुम्हारे दाऊ बाबा आते तुम्हें दाऊ बाबा बैठे ना अब दाऊ बाबा की जगह मशान बाबा बैठे हैं सुबह हटवा लेना पुरखा बन जा रहा त्या बच्चा सही है यार गुरुवार को आना थी मैं देख लूंगा चलो सरकार की।
पहले में राम राम तो हम दो सलाम भाई साहब। अच्छा सलाम सलाम जाओ जाओ। कौन की आ गई? कौन की? अरे आदमी की सलाम भाई। अच्छा मेरी बात नहीं की भैया, तुम इनके यहाँ खेल रहे हो फिर इन्हें परेशानी कैसी है? सिद्ध करे परेशान और तुम खेल रहे हो और सिद्ध बाबा परेशान करें तो सिद्ध बाबा बहु बेटे पर गायक हो जाएंगे लेता है। फिर आपकी बिटोली को दिमाग पागल है क्यों रहता है? बिटोली कौन है? हाँ घर से देवता गायब। तो जो आपकी पत्नी बिटोली है उनका दिमाग खराब रहता है, पागल है वो। उनको पागल करें को है, उनको जिद पागल करें, वो जिद उनके साथ रहे तो और भाई जिद लगा बेवाती बन के तो पर खेल रहा हूँ वो भी कसाई जिद है। बेटी कसाई जिंद है, कसाई जिंद वो कसाई जिंद मेवाती के नाम से तुझ पे खेल रहा है और मेवाती के नाम से तुझे भ्रमित कर रहा है और तुझे वो परेशान कर रहा है। इसकी वजह से सत्यवान भी परेशान रहता है। सत्यवान आपका लड़का है और सत्यवान की पत्नी है सीमा, सीमा पे प्रभाव उसका रहता है। बोल सच्चे दरबार की, बोल गुरुदेव भगवान की, बोल चंद्रहुआ सरकार की। सत्यवान की पत्नी सीमा है, आपकी बहू है, उस पे भी आता है, उस पे खेलता है, लोड़ी ना खेलते बापे। तुम पर सिद्ध मेवाती, पत्नी पर सिद्ध बापे लोड़ी, फिर भी घर में परेशानी। लोड़ी नहीं खेल रही तो मुगर खेल रही है लोड़ी बन के। क्लियर? सजा को निराकरण करवा लेना। रमिया बाबा की नारायणी भैया की अगरबत्ती लगाओ, गुरुवार को मंदिर पे आओ, बाकी मैं मंदिर पे चर्चा करूंगा। इसके बाद जिनके भी घर में रायन श्री नाम आपके यहाँ रमता वाले सिद्ध बाबा पूछते हैं, अब हम बता देते हैं तो बता दे माँ जाऊ का रहा हो तुम आए बेटा पूछ ले, बस थोड़ी माला निकालना पड़ेगी। हाँ तो आपके यहाँ रमता वाले सिद्ध बाबा पूछते हैं, हाँ ना करते चलना। रमता वाले सिद्ध बाबा पूछते हैं आपके यहाँ मेवाती सैयद पठान भी पूछता है, वो मेवाती सैयद पठान आपके यहाँ पूर्व से चला आ रहा है, ठीक है। उसने पहले आपके यहाँ एक बिटोली नाम की आपकी दादी थी, कि माँ आती है आपकी, बिटोली को भी वही परेशान करवा दो। कौन करवा दो? मेवाती। आपके पूर्व में आपके पूर्वज भगत थे, दरबार लग तो चौकी बत्ती जो मेला आज हमारे यहाँ लग रहा है वो तुम्हारे यहाँ भी लग दो, ठीक है। दूसरे आपके पूर्व ने काली माता की और सेवा करी थी, अरे तो हमसे जानवे आया ना तो वही सुनो, काली माता की सेवा और करी थी नाम के। उनका दिमाग खराब रहता है, उन पर सवारी रहती है, उन पर उनको दिमाग, मेरी सुन ले पहले पूरी बात मेरी बोलू तो आगे बात जवाब दे। उनका दिमाग की संतुलन खराब रहता है, वो बात कम करते हैं। दूसरी बात उन पर सवारी रहती है, उन पर घर के प्रेत की सवारी रहती है, आज दिन तक बोली नहीं है, आज दिन तक खेली नहीं है। अब दो जवाब महाराज जी, तो आप देख ले मतलब ये को आज छोटे भाई के ठीक है आगे के लिए। अब और राम जी लाल की पत्नी उषा है, उषा को भी दिक्कत देता है, उषा भी परेशान रहती है। दूसरी बात है बच्ची खत्म कौन की भाई थी? बच्ची खत्म भाई कौन ने करी थी? कसाई ने। कौन ने करी? कसाई ने। राम किशोर को करे परेशान कसाई। राम किशोर कौन है? तेरा भाई, ठीक है ना। कौन है भाई? दूसरा आपकी पत्नी को स्वप्न में गंदे गंदे स्वप्न आते, गंदी गंदी चीजें दिखती, गंदे आवरण होते, गंदे रूप में आता, गंदी परेशानी करता और नग्न रूप में व्यक्ति दिखाई देता, नग्न रूप में ही मेला दिखाई देती है। और जो मेला वो दिखाई देती है वो आपके घर के ही मेला के रूप में दिखाई देती है। दूसरी बात आपकी पत्नी पर मायके की व्याधा, बामन की व्याधा, शुरुआत से परेशान थी, शादी से पहले भी वो परेशान थी।
कई मम्मी और शादी से पहले परेशान थी, बहु का दोष मत लगाइए। कई मम्मी और एक चाचा संग लेके आई थी। ठीक है ना, आज से आराम मिलेगा। एक अच्छा एक चीज और बताओ, एक दिव्यांग बच्चा पैदा कौन का हुआ था? अब घर पूछना या कोई बड़ा बूढ़ा साथ में लेके आया करो। मैं कल भी बोला था अगर किसी को जानकारी लेना है तो बड़ा बूढ़ा साथ में लेके आओ, देवी देवतन की बेई बता सकते हैं, समझ रहे कि नहीं? आज से आराम। आपके यहाँ रमटा वाले सिद्ध बाबा पूछते हैं, अब मैं हम बता देते हैं तो बता के माल जाऊ का रहा हो तुम आए बेटा पूछवे, बस थोड़ी माला निकालना पड़ेगी। हाँ, तो आपके यहाँ रमटा वाले सिद्ध बाबा पूछते हैं, हाँ ना करते चलना। रमटा वाले सिद्ध बाबा पूछते हैं, आपके यहाँ मेवाती सैयद पठान भी पूछता है, वो मेवाती सैयद पठान आपके यहाँ पूर्व से चला आ रहा है, ठीक है? उसने पहले आपके यहाँ एक बिटोली नाम की आपकी दादी थी कि माँ आती है आपकी, बिटोली को भी वही परेशान करवा दो। कौन करवा दो? मेवाती। आपके पूर्व में आपके पूर्वज भगत थे, दरबार लग तो चौकी बत्ती जो मेला आज हमारे यहाँ लग रहा है वो तुम्हारे यहाँ भी लग दो, ठीक है? दूसरे आपके पूर्व ने काली माता की और सेवा करी थी, अगर तो हमसे जानवे आया ना तो भाई सुनो, काली माता की सेवा और करी थी नाम के, उनका दिमाग खराब रहता है, उन पर सवारी रहती है, उन पर उनको दिमाग, मेरी सुन ले पहले पूरी बात मेरी बोलू ताकि मैं जवाब देगा, उनका दिमाग की संतुलन खराब रहता है, वो बात कम करते हैं। दूसरी बात, उन पर सवारी रहती है, उन पर घर के प्रेत की सवारी रहती है, आज दिन तक बोली नहीं है, आज दिन तक खेली नहीं है। अब दो जवाब महाराज जी, तो आप देख ले मतलब ये तो आज छोटे भाई के बोलते, ठीक है आगे के लिए। अब और राम जी लाल की पत्नी उषा है, उषा को भी दिक्कत देता है, उषा भी परेशान रहती है। दूसरी बात, एक बच्ची खत्म कौन की भाई थी? बच्ची खत्म भाई कौन ने करी थी? कसाई ने। कौन ने करी? कसाई ने। राम किशोर को वो करे परेशान, कसाई। राम किशोर कौन है? तेरा भाई, ठीक है ना? कौन है भाई? दूसरा, आपकी पत्नी को स्वप्न में गंदे गंदे स्वप्न आते, गंदी गंदी चीजें दिखती, गंदे आवरण होते, गंदे रूप में आता, गंदी परेशानी करता और नग्न रूप में व्यक्ति दिखाई देता, नग्न रूप में ही मेला दिखाई देती है, और जो मेला वो दिखाई देती है वो आपके घर के ही मेला के रूप में दिखाई देती है। दूसरी बात, आपकी पत्नी पर मायके की व्याधा, भामन की व्याधा, शुरुआत से परेशान थी, शादी से पहले भी वो परेशान थी। कई मम्मी और शादी से पहले परेशान थी, बहु का दोष मत लगाइए। कई मम्मी और एक चाचा संग लेके आई थी। ठीक है ना, आज से आराम मिलेगा। एक अच्छा एक चीज और बताओ, एक दिव्यांग बच्चा पैदा कौन का हुआ था? अब घर पूछना या कोई बड़ा बूढ़ा साथ में लेके आया करो। मैं कल भी बोला था अगर किसी को जानकारी लेना है तो बड़ा बूढ़ा साथ में लेके आओ, देवी देवतन की बेई बता सकते हैं, समझ रहे कि नहीं? आज से आराम। ठीक है ना, तो शादी से ही लगी भैया, क्योंकि अब ये व्याधा जो है ये भामन पड़ चुकी है, इसी वजह से आपके संतान कुछ नहीं है, इसी वजह से लड़का नहीं हुआ, एक बच्चा खराब भी हुआ है इसका, हाला करते चलो, एक बच्चा खराब भी हुआ है, क्योंकि ये भामन की व्याधा रस्ते से लगी भाई व्याधा रखी भाई व्याधा, इसलिए नहीं है कि आपको ये लगे कि मायके की व्याधा, मायके की क्लियर नहीं है, मायके में भी इस पर रखा नहीं है किसी ने, इसे रास्ता से टकराव हुआ है। अब वो तो कहेगा, मुंह तो बदलेगा, अगर वो सत्यता बता देगा तो उसको कोई भी पकड़ लेगा, और कम से कम दो सौ भक्तों के पास घूम जाए। अगर कोई सत्यता वो बता ही दे तो भूत अगर जी कहने लगे तो भूत है तो मैं पूजेगा, भूत अगर घर का देवी देवता बन के ही खेलेगा तभी हम उसकी पूजा करेंगे।
सही है या नहीं? सही। तो ये रस्ते की लगी भाई प्यादा है, चौकी की प्यादा है, इसके शरीर में जलन पड़ती है, सीना में जलन होती है, समय ही दिक्कत शुरू होती है। हाँ। सुबह खड़े होते ही दिक्कत शुरू होती है, रात में सोते टाइम दिक्कत शुरू होती है, और रात में 12 बजे से 2 बजे के बीच में इसको चिल्लाना है, डर जाती है, इसको दाब लेता है, इसको पकड़ लेता है। क्लियर है ना बेटा? इसको छोटे करके मतलब 10-12 साल की उम्र का बच्चा दिखता है और वो बच्चा आश्चर्य आराम मिलेगा। ये मशान की व्यादा है, मशान के साथ में जिंद है और इसके साथ में अंगूरी भी है, इसी के साथ में काल का भी है, इसलिए ये ताकत बना बैठा है। काल का जो है इसका पैर चलाती है, मतलब ब्लीडिंग की समस्या काल का देती है, सफ़ेद पानी की समस्या काल का देती है। बच्चा जो है वो मशान रूप में वो उसको परेशान करता है, आपके रूप में जो दिखाई देता है वो जिंद दिखाई देता है। इसको खाने में से बदबू आती है, खून की कमी आ जाती है, वो अगोरी की वजह से आती है। क्लियर है? चारों बातें हैं। के बाद जिनकी भी पत्नी का नाम रानी देवी हो, खड़े हो गए। हाँ भाई, क्या नाम है आपकी पत्नी का? कहाँ से आए हो? कौन से वन बुरा जी? कहाँ पत्ते सोनिया? अच्छा, क्या पूरा नाम बताओ? क्या पूछना चाहते हो? मैं अपनी नहीं कह रहा हूँ कि मैं सही बता रहा हूँ, तो आप हमारे ही रुक जाओ।
कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति हो, अगर आपको उसने सही बता दिया, वो आपको सही लग रहा है, तो उसके यहाँ परिक्रमा निरंतर देते रहो। महीना, दो महीना, चार महीना में सुनेगा तो ऐसा नहीं है कि एक बार में कोई ठीक नहीं होती। आज हजार लोग आएंगे, हजार में तो 900 सही होते हैं, 100 सही नहीं होते, 100 आते हैं, 90 सही होते हैं, 10 सही नहीं होते हैं, क्योंकि 10 के कर्म खराब होते हैं, वो अपने कर्मों को नहीं देखते हैं। और कोई भी अपना पाप, अपना खुद का पाप दूसरे के सिर पर नहीं लगेगा, अब तुम्हारा पाप हम अपने ऊपर ले लेंगे, नहीं लेंगे। सभी लोग बैठ जाए, अवस्था ना फैला भैया, सभी लोग बैठ जाओ, सभी लोग शांति से अपने अपनी जगह बैठ जाओ, जो पीछे खड़े हुए वो बैठ जाओ, सभी लोग बैठ जाओ। हेलो, सब मुट्ठी बंद करें, एक साथ सब मुट्ठी अच्छे से करें, हाथ ऊपर करके आदेश करो, सभी लोग मुट्ठी बंद कर लो भैया, हाँ मुट्ठी बंद करें। मैं पत्र का उच्चारण कर रहा हूँ, सर्वप्रथम देवताओं पूर्वजों का आह्वान करेंगे, आज सबके पूर्वज यहाँ हाजिरी लगाएंगे बाबा के दरबार में, देखो जरवट डाल रहा हो, कौन सी है भाई तुम्हारे, ऐसे से मूर्ति को बाहर पांच पांच बार छोड़ दो, छोड़ दो, मुट्ठी खोल दो, आ जाओ सब एक साथ एकदम तेजी से, एकदम तेजी से, एक आवाज पर शांत रहो, अब ये